दोस्तों टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन उसका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप साबित हुआ। श्रीलंका का पहला विकेट 29 के स्कोर पर अविष्कार फर्नांडो के रूप में गिरने के बाद कुशल मेंडिस और नवादीदू ने पारी को संभाल लिया और श्रीलंका का दूसरा विकेट 102 के स्कोर पर गिर गया। कुशल मेंडिस कुलदीप यादव की गेंद पर LBW आउट हो गए और यहीं से कुलदीप का कहर श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर देखने को मिला। दोस्तों इसके बाद कुलदीप ने असलंका और सनाका को आउट कर श्रीलंकाई खेमे में खलबली मचा दी और श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। पिछले मैच में शतक लगाने वाले दसू सनाका भी इस मैच में फ्लॉप साबित हुए और उन्होंने केवल 2 रनों का योगदान दिया। इसके बाद श्रीलंका का एक के बाद एक विकेट गिरता रहा और पूरी टीम मात्र 215 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो कुलदीप और सिराज ने 3-3 विकेट हासिल किया। इसके अलावा मुरान मलिक ने 2 विकेट और अक्षर पटेल ने 1 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों इतने छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और भारत ने मात्र 86 के स्कोर पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए। पिछले मैच में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में केवल 17 रन ही बना पाए। वहीं शुभमन गिल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 21 रन बनाकर पवेलियन को चलते बने। इसके बाद विराट कोहली भी इस मैच में फ्लॉप रहे और लहिरू कुमारा की गेंद पर बोल्ड हो गए, उन्होंने केवल 4 रन ही बनाया। हालांकि कोहली पिछले मैच में शतक जरूर लगाए थे लेकिन इस मैच में ऐसा करने में नाकाम रहे। दोस्तों जब 86 के स्कोर पर भारत के 4 विकेट गिर गए थे तो एक समय ऐसा लगा कि श्रीलंका इस मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 5वें विकेट के लिए KL राहुल और हार्दिक पांड्या के बीच 75 रनों की बेहतरीन साझेदारी ने मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया और भारत का 5वां विकेट 161 के स्कोर पर पांड्या के रूप में गिरा। पांड्या ने 36 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। दोस्तों भारत का 6ठा विकेट 191 पर अक्षर पटेल के रूप में गिरने के बाद कोई भी विकेट नहीं गिरा और भारत ने यह मुकाबला 4 विकेट शेष रहते जीत लिया। वहीं बेहतरीन बल्लेबाज KL राहुल 64 रन बनाकर नाबाद रहे। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तो